नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। वक्त हो चला है बिहार झारखंड के 150 गांव की 150 खबरों का। फटाफट अंदाज में दिखाएंगे तमाम खबरें। नालंदा में गिरियक प्रखंड के कंचनपुर में यूनिटी इंटरनेशनल स्कूल में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें अभिभावक और छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। हाजीपुर मोहल्ला के किड्स केयर कॉन्वेंट में होली मिलन समारोह धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर छात्र छात्राओं और विद्यालय परिवार के सभी सदस्यों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की बधाई दी। नालंदा में करियर पब्लिक स्कूल के शिक्षकों और छात्र छात्राओं के बीच होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर विद्यालय के सभी छात्र छात्राओं और शिक्षकों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। नालंदा में पोषण पखवाड़ा के तहत सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर अन्न प्राशन दिवस मनाया गया। आंगनबाड़ी केंद्रों पर जच्चा और बच्चा को केंद्र पर बुलाया गया और बच्चों में होने वाले कुपोषण के बारे में जानकारी दी। लंबे अरसे के बाद बिहार शरीफ में बीएसएनएल की 4G सेवा शुरू हो गई। मुख्य महाप्रबंधक गिरीश चंद्र श्रीवास्तव ने बिहार शरीफ सर्किट हाउस से इसकी शुरुआत की। बिहार शरीफ में होली पर्व को लेकर एसपी नीलेश कुमार ने पदाधिकारियों और जवानों के साथ शहर में फ्लैग मार्च किया। नूरसराय थाना इलाके के अजनौरा गांव निवासी होम्योपैथिक डॉक्टर रामनरेश शर्मा से मोबाइल पर 5 लाख की रंगदारी नहीं देने पर घर को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बांका जिले के अमरपुर थाना क्षेत्र के भदरिया गांव में आग लगने से 2 घर जलकर राख हो गए, लाखों का नुकसान हो गया। बांका के धर्मशाला परिसर में भव्य होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बरनवाल समाज की काफी संख्या में महिला पुरुषों ने भाग लिया। बांका जिले के अमरपुर थाना परिसर में होली पर्व और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर अमरपुर थाने में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बाढ़ के गौरक्षणी मोड़ के पास एक बाइक को ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में बाइक पर सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बख्तियारपुर पुलिस ने अवैध शराब की कालाबाजारी करते हुए ऑटो से 8 कार्टन शराब बरामद की। एनटीपीसी थाना क्षेत्र के राइस गांव के पास एक कुएं से अधेड़ का शव बरामद हुआ है। पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी। बाढ़ प्रखंड कार्यालय में मनरेगा भवन कई वर्षों से अधूरा पड़ा हुआ है, जिसके चलते मनरेगा विभाग को कार्य करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ रेल पुलिस ने पूर्वा एक्सप्रेस ट्रेन से लावारिस हालत में 120 पाउच देसी मसालेदार शराब बरामद की। बाढ़ में लोगों ने पूर्व रक्षा मंत्री और गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के निधन के बाद श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। बाढ़ के अनुग्रह नारायण सिंह महाविद्यालय के छात्रों ने मतदाता जागरूकता को लेकर बैनर पोस्टर के साथ जागरूकता रैली निकाली। बाढ़ के प्ले स्कूल में नन्हे मुन्ने बच्चों की तरफ से होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कटिहार में बारसोई प्रखंड के थाना परिसर में शांति समिति की बैठक का आयोजन जनप्रतिनिधियों ने बहिष्कार कर दिया। कदवा प्रखंड के मनरेगा भवन में कदवा अंचलाधिकारी शिशिर कुमार वर्मा का विदाई समारोह आयोजित किया गया। फलका प्रखंड में आगामी चुनाव को लेकर स्थानीय प्रशासन ने छापेमारी कर 35 लीटर देसी शराब के साथ साथ शहर शराब कारोबारियों को गिरफ्तार किया। सीमापुर पंचायत के सीमापुर ओपी परिसर में मद्य निषेध कानून के तहत 4 मामलों में जब्त 6 बोतल विदेशी शराब नष्ट कर दी। बरारी प्रखंड के सीमापुर पंचायत में होली को लेकर सीमापुर ओपी परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बलरामपुर प्रखंड के विश्व दिघी सुखना पोखर में कलश शोभा यात्रा के साथ हरिनाम संकीर्तन अष्टयाम यज्ञ का शुभारंभ। हसनगंज प्रखंड में जगन्नाथपुर पंचायत के उरांव टोला में शराब तस्करी को लेकर छापेमारी की गई। सदीक लाल उरांव को 15 लीटर देसी शराब के साथ कारोबारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मनसाही प्रखंड में एसएस मजिस्ट्रेट टीम ने वाहन जांच के दौरान एक बाइक की डिक्की से 1,46,000 रूपये बरामद किए। जीवी नगर तरवारा के पूर्व इंस्पेक्टर ललन कुमार के लिए विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान इंस्पेक्टर ललन कुमार को स्थानीय पत्रकारों ने सम्मानित किया। आंदर थाना क्षेत्र के बाबू के भटकन गांव में आग लगी, लाखों की संपत्ति जलकर खाक। रघुनाथपुर प्रखंड क्षेत्र के पतार बाजार में धूमधाम से हमसफर होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। बजरुखी थाना पुलिस ने किया भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ धंधेबाज को गिरफ्तार कर जेल भेजा। तरवारा में जीबी नगर थाना के सरैया गांव में मुरघट के जमीन पर कब्जा को लेकर मारपीट हो गई, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। सिवान में मैरवा थाना पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक शख्स के पास से किंग फिशर बियर और देसी शराब बरामद की। सिवान में जीरादेई थाना परिसर में होली को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की। सिसवन थाना परिसर में सिसवन थाना अध्यक्ष रामबालक यादव के नेतृत्व में शांति समिति की बैठक की गई। मौके पर अंचल अधिकारी इंद्रवंश राय भी मौजूद थे।
जीरादेवी प्रखंड के स्टेट बैंक परिसर में सीवान के मशहूर डॉक्टर नंदकिशोर ने निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया और गरीबों का इलाज किया। जीरादेवी थाना क्षेत्र के चित्र बाजार के पास पुलिस की गाड़ी को ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। मंझौलिया थाना ने वाहन चेकिंग के दौरान एक गाड़ी से 10 लाख रुपए कैश बरामद किए हैं। पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लिया। बेतिया एसपी ने होली को लेकर थानों का औचक निरीक्षण किया और सख्ती से प्रशासनिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बेतिया के मैनाटांड में काली पूजा को लेकर कलश यात्रा निकाली गई। यात्रा में 501 कन्याओं ने भाग लिया। नौतन प्रखंड के ग्रामीण क्षेत्र में पेट्रोल पंप का उद्घाटन हुआ, जिससे ग्रामीणों में खुशी का माहौल है। नगरियागंज में डीआरएम ने औचक निरीक्षण किया। मौके पर साफ सफाई में कमी पाई गई, जिसके लिए डीआरएम ने स्टेशन अधीक्षक को फटकार लगाई। नौतन में मतदान को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। प्रभात फेरी निकालकर मतदाताओं के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। बेतिया नगर थाना ने चार चोरी की बाइक बरामद की है, साथ ही मौके से दो चोरों को भी गिरफ्तार किया। बेतिया में रोहित शिकारिया ने होली मिलन समारोह का आयोजन किया, जिसमें राजस्थान से कलाकारों को बुलाया गया। झौलिया पुलिस ने 5 शराब कारोबारियों को 130 लीटर शराब के साथ गिरफ्तार किया है, जिनकी निशानदेही पर छापेमारी की जा रही है। पूर्णिया बायसी प्रखंड क्षेत्र के खपरा पंचायत के पश्चिम टोला मथुरापुर में अचानक आग लगने से दर्जनों घर जलकर खाक हो। पूर्णिया सदर थाना चौक पर एबीवीपी के इकाई कार्यालय में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। पूर्णिया के बनमनखी थाना परिसर में पूर्णिया पुलिस अधीक्षक और बनमनखी के डीएसपी ने शांति समिति की बैठक आयोजित की। पूर्णिया प्रखंड में शराब बनाने वालों को गिरफ्तार करने गई धमदाहा पुलिस को कारोबारियों ने पीट पीट कर जख्मी कर दिया। पूर्णिया सदर के खजांची हाट थाना में शांति समिति की बैठक आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता थानाध्यक्ष विवेकानंद सिंह ने की। पूर्णिया बड़हरा कोठी प्रखंड की एक महिला को घर की सफाई के दौरान एक सांप ने काट लिया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। फारबिसगंज के बथनाहा में एसडीओ और डीएसपी के सामने छापेमारी में बरामद शराब नष्ट कर दी गई। फारबिसगंज के पाई वर्ल्ड क्लास में देश सेवा को लेकर भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बगहा के मधुबनी प्रखंड के बांसी नदी तट पर एसपी अरविंद गुप्ता ने शराब और कारोबारियों के विरुद्ध सघन चेकिंग अभियान चलाया। बगहा के पिपरासी प्रखंड के भगड़वा में जमीन विवाद में आग लगाकर घर जलाने के मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी। बगहा एक प्रखंड के बांबे बाजार में समाजसेवी सुधीर सिंह और जगदम्बा सरावगी ने संयुक्त रूप से होली मिलन समारोह का आयोजन किया। बगहा दो प्रखंड के नारायणपुर में पुलिस प्रशासन की ओर से होली पर्व और लोकसभा चुनाव को देखते हुए शांति समिति की बैठक हुई। बगहा दो प्रखंड के रेलवे स्टेशन चौक पर ऑटो चालक संघ ने होली मिलन समारोह का आयोजन कर एक दूसरे को रंग गुलाल और अबीर लगाए। बगहा दो प्रखंड के वाल्मीकि नगर भेड़िहारी में वन विभाग की टीम ने हथियार और बेंत के साथ वन तस्करों को गिरफ्तार किया। बगहा एक प्रखंड के रत्नमाला रोड के नेशनल हाईवे 727 पर पुलिस प्रशासन की टीम ने वाहन चेकिंग के दौरान विदेशी शराब के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया। बगहा में रामनगर प्रखंड के हरिनगर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण पूर्व मध्य रेल जीएम एलसी त्रिवेदी ने किया। बगहा दो प्रखंड में रामपुर के वाल्मीकि नगर रोड स्टेशन परिसर में रेल जीएम एलसी त्रिवेदी ने वृक्ष लगाकर पर्यावरण संतुलन बनाए रखने का संदेश दिया। बगहा एक प्रखंड के दीनदयाल नगर कोठी कंपाउंड में होली पर्व और लोकसभा चुनाव को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बगहा दो प्रखंड के रेलवे स्टेशन का पूर्व मध्य रेल जीएम एलसी त्रिवेदी ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान साफ सफाई और शुद्ध पेयजल की किल्लत को लेकर फटकार लगाई। बगहा दो प्रखंड के नारायणपुर व्यवहार न्यायालय परिसर में बार एसोसिएशन की तरफ से पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एपी शाही को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। बगहा एक प्रखंड के कोल्हुआ चौतरवा में एक घर में आग लगने से घर समेत सारा सामान जलकर राख हो गया। लोहियानगर के बाइक कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में छात्र छात्राओं के साथ अभिभावक भी मौजूद हैं। ठेकरा अधिवक्ता संघ की तरफ से होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में अधिवक्ताओं ने भाग लिया। बेगूसराय के चकिया थाना क्षेत्र में एसपी अवकाश कुमार के नेतृत्व में जगह जगह छापेमारी की जा रही है, जिससे अपराधियों में भय का माहौल बना हुआ है। वीरपुर में भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता संगठन के अध्यक्ष राजेंद्र महतो ने। बेगूसराय के आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 37 पर वीरपुर पूर्वी और पश्चिमी के सेविकाओं ने मतदाता जागरूकता अभियान चलाया। बेगूसराय के सिमरिया में राजेंद्र पुल पर हमेशा जाम रहता है, जिसे लेकर स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से जाम हटाने को लेकर निजात दिलाने की मांग की। बखरी में विश्व माया चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां बच्चों को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। बेगूसराय में बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी शाखा की तरफ से होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। बछवारा थाना क्षेत्र में बेगमसराय के NH28 पर दो ट्रकों के बीच आपस में टक्कर हो गई, जिससे एक गिट्टी लदे ट्रक के पलटने से दो पशुओं की दबकर मौत हो गई।
विक्रम थाना अंतर्गत खोरैठा नगर के नजदीक SH2 बिहटा महाबलीपुर पथ पर तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने टक्कर मार दी। नौबतपुर के एक मोबाइल दुकानदार से अपराधी ने रंगदारी मांगी है, रंगदारी देने से इंकार करने पर अंजाम भुगतने की चेतावनी दी। विक्रम थाना की पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक पिकअप वाहन पर लदे 9 पशुओं को जब्त किया है। नौबतपुर थाना अंतर्गत दरियापुर गांव के समीप मसौड़ी नौबतपुर पथ पर अज्ञात वाहन ने एक बाइक सवार को टक्कर मारकर जख्मी कर दिया। नौबतपुर के लखपर बाबा डेयरी की ओर से होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कर्मियों को बोनस भी दिया गया। विक्रमनगर में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर गायक कलाकारों ने पारंपरिक होली गीतों के साथ देशभक्ति गीत प्रस्तुत कर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। नौबतपुर पुलिस ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अवैध शराब के कारोबारियों के खिलाफ छापेमारी अभियान तेज कर दिया है। पुलिस ने गश्त के दौरान कई जगहों से नशे की हालत में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। पालीगंज थाना के जलपुरा गांव में चोरों ने एक घर में सेंधमारी करते हुए नकदी समेत लाखों के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। नौबतपुर थाना की पुलिस ने दुल्हिन बाजार रोड में लावारिस हालत में एक पैशन प्रो बाइक बरामद की है। नालंदा में इस्लामपुर पुलिस ने कोविल गांव में एक घर में छापा मारा और वहां से 1,000 और 2 कारतूस बरामद किए। बिहार शरीफ प्रखंड कार्यालय के RTPS काउंटर पर एक युवक ने महिला कार्यपालक सहायक के साथ मारपीट की। RTPS में मारपीट शुरू होते ही लोगों की भीड़ जमा हो गई और हंगामा शुरू हो गया, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और युवक को गिरफ्तार कर लिया। बिहार शरीफ के रामचंद्रपुर में डिवाइन लाइट सेंट्रल स्कूल में छात्र छात्राओं और शिक्षकों के बीच होली मिलन समारोह का आयोजन किया। नालंदा में हरनौत बाजार के चंडी मोड़ के पास अनियंत्रित ट्रक ने एक बुजुर्ग महिला को रौंद दिया, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। नालंदा में होली और लोकसभा चुनाव को लेकर DIG राजेश कुमार ने SP DSP इंस्पेक्टर और थानेदारों के साथ बैठक की। होली पर्व को लेकर हरनौत थाना परिसर में थानाध्यक्ष ऋतुराज कुमार की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक बुलाई गई। मुंगेर जिला समाहरणालय सभागार में जिला निर्वाची पदाधिकारी और जिलाधिकारी राजेश मीणा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय स्वीप कमेटी के अधिकारी और स्वीप पार्टनर की बैठक। तारापुर अनुमंडलीय अस्पताल का सिविल सर्जन डॉक्टर पुरुषोत्तम कुमार ने औचक निरीक्षण किया। तारापुर में होली का पर्व शांतिपूर्ण तरीके से मनाने को लेकर तारापुर थाना में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। तारापुर में लोकसभा चुनाव 2019 को शांतिपूर्वक संपन्न कराने को लेकर चुनाव कार्य से जुड़े सभी सरकारी कर्मियों को प्रखंड स्तर पर बुनियादी प्रशिक्षण दिया गया। मुंगेर के धरहरा में SP डॉक्टर गौरव मंगला के निर्देश पर अवैध महुआ शराब निर्माताओं के विरुद्ध अभियान चलाया गया। दरभंगा में कमतौल थाना क्षेत्र के अहियारी उत्तरी पंचायत में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत मनरेगा मजदूरों के बीच अभियान चलाया गया। कमतौल के पौराणिक अहिल्या स्थान के पवित्र तालाब की उड़ाही का कार्य शुरू कर दिया गया है, जिससे आने वाले दिनों में श्रद्धालुओं के जल संकट से निजात मिले। जाले थाना परिसर में आगामी होली पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता पुलिस निरीक्षक बसंत कुमार झा ने। केवटी प्रखंड मुखिया संघ के पूर्व अध्यक्ष और माधोपट्टी पंचायत के 35 साल के मुखिया रहे ध्रुवेंद्र कुमार श्रीवास्तव का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। बेनीपुर प्रखंड आरक्षी कार्यालय का पुलिस उप महानिरीक्षक शत्रुनील सिंह ने निरीक्षण किया और पुलिस पदाधिकारियों को कई निर्देश दिए। केवटी के कस्तूरबा गांधी विद्यालय में आयोजित ओपन हाउस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता रविन्द्र कुमार और टीम लीडर वीरेंद्र झा ने। दरभंगा मानव अधिकार युवा संगठन भारत के प्रदेश कार्यालय में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। दरियान थाना क्षेत्र के भरतपुर गांव में एक घर में अचानक से आग लग गई, जिससे सामान के साथ घर जलकर राख हो गया। बिरौल में गुरुकुल प्रीमियर लीग मैच का फाइनल मुकाबला खेला गया, जिसमें बिरौल सेंट्रल स्कूल और एस कॉमर्स की टीम के बीच मैच हुआ। केवटी में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय बाढ़ पोखर की छात्राओं को मेन्यू के मुताबिक खाना नहीं दिया जा रहा है, जिसका खुलासा चाइल्ड लाइन के कार्यकर्ताओं ने ओपन हाउस कार्यक्रम में किया। लोकसभा चुनाव को लेकर अररिया के केंद्रीय विद्यालय में मतदान कर्मियों के लिए प्रशिक्षण कैंप का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण कैंप में मतदान कर्मियों को VVPAT और EVM से संबंधित जानकारी दी। जोकीहाट प्रखंड के सूचना भवन में लोकसभा चुनाव को लेकर सेक्टर मजिस्ट्रेट की बैठक आयोजित की गई। जोकीहाट प्रखंड से होकर बहने वाली कनकई नदी से कई सड़कों का कटाव हो रहा है, जिसे लेकर स्थानीय लोगों ने शिकायत दर्ज कराई। अररिया के नगर थाना परिसर में होली को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें सदर SDM SDPO ADM समेत स्थानीय लोगों ने भाग लिया। सिटी थाना क्षेत्र के सोनपुर के सोनापुर गांव में भारत नेपाल सीमा से SSB 52 बटालियन के जवानों ने 2 मानव तस्करों को 5 बच्चों के साथ गिरफ्तार किया।
साहिबगंज जिले के मिर्जा चौकी थाना पुलिस ने 1000 देसी शराब की बोतलों के साथ कारोबारी को गिरफ्तार किया। बड़हरवा प्रखंड के मुगलपाड़ा में बन रहे प्रधानमंत्री आवास योजना की जांच प्रखंड विकास पदाधिकारी ने शुरू कर दी। साहिबगंज जिले को काला जाम मुक्त करने साहिबगंज जिले को जाम से मुक्त करने को लेकर सिविल सर्जन डॉक्टर एके सिंह ने स्क्रैप कर्मियों और बीटीटी के साथ बैठक की। बोरियो के पूर्व विधायक और झारखंड मुक्ति मोर्चा के सरकार में रहे मंत्री लोबिन हेम्ब्रम ने राजमहल लोकसभा सीट से अपनी दावेदारी पेश की। होली मिलन समारोह बीडीओ बरहेट सीओ बरहेट और पुलिस पदाधिकारियों ने मिलकर समारोह का आयोजन किया। बरहन थाना परिसर में आयोजित हुआ। बरहरवा प्रखंड के कोटाल पोखर में विद्युत विभाग की तरफ से बकाया बिजली बिल के खिलाफ अभियान चलाकर तकरीबन एक दर्जन लोगों के कनेक्शन काट दिए। राजानगर थाना पुलिस ने उधवा के कई क्षेत्रों में अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाकर 430 लीटर महुआ नष्ट किया। जिला क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता में वल्चर क्रिकेट टीम बना चैंपियन। जामताड़ा के कृषि विभाग के सभागार में कृषि पदाधिकारी की अध्यक्षता में पोषण पखवाड़ा कार्यशैली का आयोजन किया गया। पोषण पखवाड़ा महिला और पुरुष किसानों को खान पान और पोषण से संबंधित जानकारियां दी। जामताड़ा के नारायणपुर में होली में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई जगहों पर पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। जामताड़ा के फतेहपुर नाला विधानसभा के अंतर्गत बामन डीहा गांव में यूथ इंटक प्रदेश सचिव ने ग्रामीणों के साथ मिलकर कांग्रेस के साथ बैठक की। जामताड़ा के कर्माटांड प्रखंड में होली को लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचल अधिकारी ने अति संवेदनशील गांव में जाकर शांति बनाए रखने की अपील। जामताड़ा के कर्माटांड के पंचायत सचिव के निधन पर बीडीओ और अंचल अधिकारी के नेतृत्व में 2 मिनट का मौन धारण किया। कुंडहित प्रखंड परिसर में होली मिलन का कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें बीडीओ ने सभी प्रखंड कर्मियों को होली की शुभकामनाएं। जामताड़ा के कुंडहित थाना परिसर में होली उत्सव को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जामताड़ा एसडीएम उपस्थित रहे। गढ़वा के भवनाथपुर प्रखंड में पत्थर माफिया का इतना बोलबाला बढ़ गया है कि वो बेखौफ पत्थर निकाल रहे हैं। गमना प्रखंड मुख्यालय के सेंट जेपी स्कूल में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। गढ़वा में भंडरिया थाना क्षेत्र के ग्राम कुरुण में निर्माणाधीन उप स्वास्थ्य केंद्र में घटिया सामग्री लगाने की ग्रामीणों ने आरोप लगाया। गढ़वा के कांडी बाजार में अखिल भारतीय वैश्य समाज की बैठक आयोजित की गई जिसकी अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष रामदास ने। कांडी प्रखंड क्षेत्र के भंडरिया गांव निवासी सुरेश सिंह की 55 साल की पत्नी कुसुम देवी के हृदय गति रुक जाने से मौत हो गई। बंशीधर नगर में गढ़वा जिला कबड्डी संघ की तरफ से आयोजित एक कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। कांडी प्रखंड क्षेत्र में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण विद्युतीकरण के तहत सौभाग्य योजना में धोखाधड़ी का मामला सामने आया। कांडी में देश के पूर्व रक्षा मंत्री और गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के असामयिक निधन पर बीजेपी मंडल के कार्यकर्ताओं ने शोक सभा कर श्रद्धांजलि अर्पित। डाल्टनगंज के झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता राकेश पासवान ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से लोकसभा चुनाव को लेकर मुलाकात। मेदिनीनगर समाहरणालय में चुनाव और होली पर्व को लेकर उपायुक्त और एसपी ने अधिकारी के साथ बैठक। मेदिनीनगर के प्रतिष्ठित व्यवसायी बबलू गुप्ता की पत्नी सुमन गुप्ता ने चतरा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए दावेदारी पेश की। देवघर के 36वीं मोहल्ले में पूर्व युवा छात्र संगठन की ओर से होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया जिसमें बड़ी तादाद में कुर्मी समुदाय के लोगों ने हिस्सा लिया। देवघर के धोबिया टोला में समिति ने हिंदू नववर्ष को धूमधाम से मनाया और हर एक घर में सामग्री मांगी। देवघर के जसीडीह प्रखंड में बन रहे हैं डिगारिया पहाड़ के कार्यों का सांसद निशिकांत दुबे ने जायजा लिया।
देवर में जसीडीह प्रखंड के बीआईटी कॉलेज मिश्रा कॉलेज में कार्यक्रम का विशेष आयोजन किया गया जिसमें छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। देवघर के जसीडीह में ब्राह्मण एवं भूमिहार एकता मंच में बाइक रैली निकालकर राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार का भव्य स्वागत किया। बाइक रैली दूर दूर से आए भूमिहार समाज के लोगों ने हिस्सा लिया और समाज की प्रगति को लेकर चर्चा की। देवघर के पुराना सदर अस्पताल में होली के मौके पर भाईचारा बनाने के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन किया। और बिहार झारखंड के 150 गांव की 150 खबरों में फिलहाल इतना ही। रुख करेंगे कुछ और खबरों का। रंग भरी एकादशी के बाद दूसरे दिन बनारस के मणिकर्णिका घाट पर भस्म के साथ होली खेली जाती है। जलती चिताओं पर रंग और गुलाल फेंककर शिव भक्त दुनिया छोड़कर जाने वालों के साथ भी होली खेलते हैं।